सीजन में पहली बार हैदराबाद की गेंदबाजी में दिखा दम राशिद और भुवनेश्वर का चला जादू, दो हार के बाद पहला मैच जीता। आईपीएल के 13वें सीजन के 11वें मैच में सनराइजर हैदराबाद ने दिल्ली कैपिटल्स को 15 रन से हरा दिया। टीम की इस सीजन में पहली जीत है। इससे पहले टीम को दो मैच में हार मिली थी। मैच के हीरो सनराइजर हैदराबाद के स्पिनर राशिद खान और भुवनेश्वर कुमार रहे। दोनों ने 5 विकेट लेकर दिल्ली से जीत छीन ली। मैच में हैदराबाद ने टॉस हारकर पहले बल्लेबाजी करते हुए 163 रन का टारगेट दिया। इसके जवाब में दिल्ली 7 विकेट गंवाकर 147 रन ही बना सकी। दिल्ली के लिए ऋषभ पंत ने 32, शिखर धवन ने 34, सिमरन हेटमायर ने 21 रन की पारी खेली। वहीं हैदराबाद के लिए राशिद ने 3 और भुवनेश्वर ने 2 विकेट लिए। इसके अलावा टी नटराजन ने 1 विकेट लिया। मैच में सनराइजर हैदराबाद की धीमी शुरुआत थी। शुरुआत में 5 ओवर में 24 रन ही बना सके। इसके बाद ओपनर डेविड वार्नर ने 45, जॉनी वेरेस्टो ने 53 और केन विलियमसन ने 41 रन की पारी खेली। वेरेस्टो की आईपीएल में यह चौथी 50 रही। इसकी बदौलत टीम ने 4 विकेट पर 162 रन बनाए। वहीं दिल्ली के लिए अमित मिश्रा और रवाड़ा ने 2-2 विकेट लिए। अमित ने हैदराबाद के कप्तान वार्नर को विकेटकीपर ऋषभ पंत और मनीष पांडे को रवाड़ा के हाथों कैच आउट कराया। रवाड़ा ने जॉनी वेरेस्टो और केन विलियमसन को पवेलियन भेजा। उन्होंने वेरेस्टो को एनरिच के हाथों कैच आउट कराया। वहीं विलियमसन को कैच अक्षर पटेल ने लिया। आईपीएल के 13वीं सीजन का 11वां मैच दिल्ली कैपिटल्स और सनराइजर हैदराबाद के बीच अबुधाबी में खेला गया। हैदराबाद ने टॉस हारकर पहले बल्लेबाजी करते हुए 163 रन का टारगेट दिया, जिसके जवाब में दिल्ली के शिखर धवन और श्रेयस अय्यर क्रीज पर थे। पृथ्वी शॉ 5 बॉल पर 2 रन बनाकर आउट हो गए। भुवनेश्वर कुमार ने उन्हें विकेटकीपर जॉनी वेरेस्टो के हाथों कैच आउट कराया। शिखर धवन और विकेटकीपर ऋषभ पंत के पास आईपीएल में अपने 100 छक्के पूरे करने का मौका है। उस उपलब्धि में धवन 3 और पंत 6 छक्के दूर है। मैच में सनराइजर हैदराबाद की धीमी शुरुआत थी। शुरुआत 5 ओवर में 24 रन ही बन सके थे। इसके बाद ओपनर डेविड वार्नर ने 45, जॉनी वेरेस्टो ने 53 और केन विलियमसन ने 41 रन की पारी खेली। वेरेस्टो को आईपीएल में यह चौथी 50 रही। इसकी बदौलत टीम ने 4 विकेट पर 162 रन बनाए। वहीं दिल्ली के लिए अमित मिश्रा, रवाड़ा ने 2-2 विकेट लिए। अमित ने हैदराबाद के कप्तान वार्नर को विकेटकीपर ऋषभ पंत और मनीष पांडे को रवाड़ा के हाथों कैच आउट कराया। रवाड़ा ने जॉनी वेरेस्टो और केन विलियमसन को पवेलियन भेजा, जिन्होंने वेरेस्टो को एनरिच के हाथों कैच आउट कराया था। वहीं डिविलियर्स का कैच अक्षर पटेल ने लिया। दिल्ली के कप्तान श्रेयस अय्यर ने टीम में एक बदलाव किया। आवेश खान की जगह ईशान शर्मा को मौका दिया। वहीं हैदराबाद में कप्तान वार्नर ने 2 बदलाव किए। मोहम्मद नमी और रिद्धिमान साहा को बाहर कर केन विलियमसन और अब्दुल समद को प्लेइंग 11 में शामिल किया। विलियमसन और ईशान का सीजन में यह पहला ही मैच है। वहीं अबुधाबी का डेब्यू मैच है। दिल्ली में विदेशी प्लेयर सिमरन हेटमायर, मार्कस स्टोइनिस, कंदीसु रवाड़ा और एनरिच को मौका मिला। वहीं हैदराबाद टीम में कप्तान वार्नर समेत जॉनी वेरेस्टो, केन विलियमसन और राशिद खान को शामिल किया। 18 साल के अब्दुल समद आईपीएल खेलने वाले जम्मू कश्मीर के चौथे क्रिकेटर हैं। इस सीजन में खेलने वाले जम्मू कश्मीर के अकेले क्रिकेटर हैं। हैदराबाद ने उन्हें बेस्ट प्राइज 20 लाख रुपए में खरीदा। पिछले साल जम्मू कश्मीर के 2 खिलाड़ी मंजूर डार ने किंग्स 11 पंजाब और रसिक सलाम डार ने मुंबई इंडियंस की ओर से डेब्यू किया था। परवेज रसूल आईपीएल खेलने वाले जम्मू कश्मीर के पहले खिलाड़ी थे। वे पुणे वॉरियर्स और हैदराबाद सनराइजर की ओर से खेल चुके हैं। आईपीएल में आपकी फेवरेट टीम कौन सी है, हमें कॉमेंट करके जरूर बताएं। चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।